अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। यानी इंडिया में फिलहाल कुछ न्यूज़ चल रहा था जो कि बिटकॉइन को इलीगल कह रहे थे, अभी भी वही चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसको कुछ लीगलाइज करने के लिए वर्क नहीं कर रही। यानी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज लगाकर लीगल करना चाहते हैं। तो कुछ डेटा कॉइन टेलीग्राफ पर आया है, सोचा कि आपके साथ वो मैं शेयर करूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल इंडियंस के लिए, या फिर जो भी इंडियन में फिलहाल मुझे लोग पूछ रहे कि सर अगर बिटकॉइन बैन होता है, जेप पे बैन होता है, तो हमको क्या करना है, बिटकॉइन में सेल कर दूँ या होल्ड करूँ। या बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर मेरे पास इतना इतना बिटकॉइन मैं सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बिटकॉइन बैन हो गया इंडिया में, इलीगल हो गया, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं दोनों चीज़ इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा और होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन आता है उस पर क्लिक करके सेव करना ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के आपके तीन फायदे होते हैं। एक तो आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलता है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 17 पार्ट मिल जाएंगे। दूसरा फ्रेंड्स, आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ मिलता है, और तीसरा आपको डे टू डे अपडेट मिलता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। और हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री में सिग्नल्स मिलते हैं प्लस आपको इंस्टेंट न्यूज़ मिलता है, तो आप उसको भी बेनिफिट ले सकते हो। मूव करते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कॉइन टेलीग्राफ की वेबसाइट पर। ऑलमोस्ट 2 दिसंबर को ये आर्टिकल आया था और यहाँ पर मेंशन हुआ है कि बिटकॉइन नॉट येट लीगल करेंसी सेज इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत कुछ मेंशन किया जिससे हमको ये लगता है कि शायद इन फ्यूचर बिटकॉइन लीगल होने वाला है। और उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया है अरुण जेटली ने कि भाई बिटकॉइन के लिए वो वर्क कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बस इलीगल करार कर दिया है। इनका बोलना ये है कि काफ़ी दिनों से बिटकॉइन लीगल करने के लिए वर्क करते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ आने वाला था लेट नवंबर को, लेकिन उसके बाद से अभी भी पता यही चला है कि स्टिल बिटकॉइन अभी भी इलीगली है, लीगल नहीं हुआ है। बट अभी वो यही कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशन लाए जाए, कुछ पॉलिसीज़ के अंडर में रेगुलेशन, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है रेगुलेशन लाने का मतलब इनका फोकस यही है कि भाई चलो कुछ कुछ टैक्सेस बना लेंगे। और इसमें दो चीज़ है, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत से इलीगल वर्क भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन बिल्कुल ठीक जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बिटकॉइन में बहुत से इलीगल वर्क भी हो रहे हैं, तो वो चाह रहे कि इसके हम बिटकॉइन को लीगलाइज करके कुछ ऐसे पॉलिसीज में रखें जिसकी मदद से हम ऐसे लोगों को ट्रैक कर सके जो कि इलीगल वर्क कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये मेंशन किया कि ऑलमोस्ट उन्होंने अप्रैल 2017 को मीटिंग बिठाई थी इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी जो उनके जो भी डिपार्टमेंट्स होता है, चाहे वो RBI को होने दो या फाइनेंशियल मिनिस्टर को होने दो या और जो भी चीज़ था इनके अंडर में, वो सब ने मीटिंग किया था इसको इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो उन्होंने अभी यही किया कहा है कि अभी इतने जल्दी इसको हम लीगल नहीं कह सकते, अभी हमको इसकी ज़रूरत है मॉनिटर करने की, और देखेंगे उनके हिसाब से जो उसको उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी करने के बाद इसको वो लीगल या फिर अंडर देयर पॉलिसीज के अंडर लीगल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये इलीगली है इंडिया में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि आपको मैं समझाना चाह रहा था, उसके बाद अपना पर्सनल ओपिनियन आपको मैं देना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे जो पूछ रहे हैं कि सर मैं बिटकॉइन सेल कर दूँ, क्या मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दूँ, क्या या मैं कोई और करेंसी कन्वर्ट कर दूँ, इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया है कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के जितने भी करेंसीज है वो सभी इलीगल है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी आ रही है कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी चाहे इथेरियम कोई भी होने दो, वो सब इलीगल है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो बहुत से कॉइन्स इंडिया से लॉन्च हो रहे, जो कि बता रहे कि RBI ने उसको परमिशन दिया है, तो वो बता रहे कि ऐसा कोई कॉइन RBI से कनेक्टेड नहीं है। विषय में कुछ नाम सुन रहा था लक्ष्मी कॉइन का, तो बताया जा रहा था भाई इंडियन गवर्नमेंट का वो कॉइन है, RBI की ओर से डिक्लेयर हुआ है, तो सब कुछ फेक है, वो सब कुछ स्कैम है, वो RBI ने को डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अभी दो चीज़ सामने यही आती है कि भाई पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स फिलहाल इंडिया में बैन है, इलीगल है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम होल्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, ठीक है। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी है डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। इंडियन रुपीस सेंट्रलाइज करेंसी है, इंडिया इसको ऑथोराइज करती है, RBI को ऑथोराइज करती है, RBI जो चाहेंगे वो उसके साथ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बीच में हमने करेंसी चेंज किया इंडिया में, तो बस वही चीज़ है, सेंट्रलाइज का मतलब यही होता है। डिसेंट्रलाइज
टोटली पब्लिक होल्डिंग करेंसी है, इसका प्राइस अप एंड डाउन जो होता है पब्लिक मूवमेंट में होता है, पब्लिक के ट्रेड पर होता है, जो हम जनरली ट्रेड कर रहे हैं। आप बहुत से लोग आप जान चुके हैं कि प्राइस अप एंड डाउन जो होता है, जो मार्केट प्राइस बनता है वो किस तरह बनता है, तो बस सब कुछ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड है। तो इसको सिर्फ उनके हद तक रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हो, मैं एक्सेप्ट करता, अगर मैं कोई सर्विस चला रहा हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, तब मैं आपको कोई प्रोडक्ट अपना या जो भी चीज़ मैं डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। बट फिलहाल एक चीज तो से समझ में यही आ रहा है कि फ्यूचर में बिटकॉइन लीगल बिल्कुल होने वाला है इंडिया में, और कुछ पॉलिसीज कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लाएंगे अगर उसको यूज करना है, ट्रांजेक्शन करना है। इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि हम इसको एज अ बॉर्डर करेंसी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ बिटकॉइन एक बॉर्डर करेंसी बनने वाला है, ऐसे नहीं कि फ्यूचर मनी मतलब इंडियन रुपीज बन हो जाएगा, डॉलर बन हो जाएगा, नहीं, वो सब कुछ अपने अपनी जगह पे चलता रहेगा। लेकिन जो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं यूएस डॉलर को एज अ बॉर्डर करेंसी पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो वहां पर हम बिटकॉइन यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे कंट्रीज को एक्सेप्ट कर रही है बिकॉज काफी लोग उसमें फायदा देख रहे हैं, प्रॉफिट देख रहे हैं नाइदर देन बैंकिंग से। तो बहुत कुछ है, फिलहाल इतना ही समझिए, बिटकॉइन को सेल ना कीजिए, ठीक है? अभी जो प्राइस है इसको सेल करके बिटकॉइन हाई जाएगा, फिर आप जब लीगल होगा तब परचेस करोगे तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होंगी बहुत बड़ी। तो बिटकॉइन जो वैलेट है उसमें स्टोर रखिए और वेट कीजिए, जैसे इंडिया रेगुलेट करती है तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। जहाँ तक मुझे फ्यूचर में लगता है, क्या जिस तरीके से वो प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर अपडेट किया है कि वो कब से ट्राई कर रहे हैं, क्या क्या रिपोर्ट हुआ है, कितने बार उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। तो फिलहाल एक चीज़ है, बिटकॉइन को होल्ड कीजिए, चाहे बिटकॉइन हो तो कोई भी करेंसी हो तो होल्ड कीजिए। अगर बिटकॉइन बैन भी हो तो टोटली इल्लीगल भी, अभी तो फिलहाल इल्लीगल उन्होंने मेंशन कर दिया कि अभी लीगल टेंडर में नहीं आता है बिटकॉइन फिलहाल इंडिया में। तो एक बात समझ लीजिए, आपका जो भी वैलेट में आप स्टोर कर रहे हो उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस इसका इतना बढ़ जाएगा देन आप उसको परचेज नहीं कर पाओगे, और आप सोचोगे यार मैंने बिटकॉइन पहले क्यों सेल किया, क्योंकि फ्यूचर में लीगल होने वाला है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा फ्यूचर, किसको पता नहीं, कोई भी इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो बस हमको तो वेट एंड वॉच करना है। बट जो लोग मुझे बार बार मैसेज और कॉल करके यही पूछते कि सर बिटकॉइन के बारे में, तो मेरा यही सजेशन है बिटकॉइन होल्ड करने में ही फायदा है, क्योंकि आगे बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा तो बाद में पछताने से अच्छा अभी होल्ड कर लो और इंशाल्लाह उसका प्रॉफिट एंजॉय करो बाद में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आए होंगी, पसंद आए होंगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होता है आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ नहीं तो यहाँ जहाँ भी सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस इसी तरह के मिलते रहते हैं। सो टिल दैट, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।